हेलो स्टूडेंट, स्टैंडर्ड 7, हाउ आर यू ऑल? फाइन, ओके। सो स्टूडेंट्स, नाउ इन कंप्यूटर वी आर कंटिन्यूइंग लेसन नंबर 5, प्रोसीजर इन एमएसडब्ल्यू लोगो प्रोसीजर। ओके, हमने लास्ट वीडियो में देखा था कि हाउ टू राइट प्रोसीजर इन एमएसडब्ल्यू लोगो। देर आर टू वे टू राइट द प्रोसीजर। Which way? First is using the input box and second is using the editor window. और हमने using input box हमने देख लिया था, right? Now it's turn how to write procedure in editor window. Page number 49. Using the editor window to write a procedure using the editor window. फॉलो दी स्टेप्स, यहाँ पे स्टेप को फॉलो करना है। कैसे? फर्स्ट स्टेप है क्लिक इनसाइड द इनपुट बॉक्स। इनपुट बॉक्स है, वहाँ पे क्लिक करो। जैसे ही आप इनपुट बॉक्स पे क्लिक करोगे क्या होगा, वहाँ पे आपको टाइप करना है क्या, एडिट पेंटागन। वहाँ पे जाके आपको जैसे ही आप एडिट और पेंटागन ऐसा लिखोगे और उसके बाद आप एंटर के प्रेस करोगे, क्या प्रेस करोगे, एंटर की। यस, ये जो बोल्ड से लिखा है ना, एडिट डार्क से, हाँ, एडिट पेंटागन एंड प्रेस द एंटर। जैसे ही ऐसा करोगे तो आपको दिस एडिटर विंडो अपीयर्स, फिगर 5.6। ये जो है ये एडिटर विंडो है, देख रहे हो ना, हाँ, वो तुरंत आपको मिलेगा। अब यहाँ पे आप एडिट कर सकते हो अपनी प्रोसीजर, या तो लिख सकते हो, समझ में आ रहा है। आपने पेंटागन लिखा तो यहाँ पे लिख आ गया ऑटोमेटिक, देखा आपने, टू पेंटागन और एंड। तो फर्स्ट स्टेप और लास्ट स्टेप तो यहाँ पे आ गया है प्रोसीजर का, तो टू के बाजू में पेंटागन तो लिखा ही है। अब क्या करना है आपको, बराबर, ये दूसरी टाइप है, कैसे करना है कि ईडॉल बटन, ईडॉल मीन्स एडिटर विंडो। तो ये बटन भी आप जैसे ही क्लिक करोगे तब भी आपको ये एडिटर विंडो मिल जाएगा। ये दूसरी टाइप है कि आपको एडिटर विंडो दो टाइप से खोल सकते हैं, ठीक है। तो ये तो खोलने की बात हुई, नाउ हाउ टू राइट इन इट वो हम देखेंगे पेज नंबर 50 पे। देखो सेकंड स्टेप देखते हैं डायरेक्ट। क्लिक एट द एंड ऑफ टू पेंटागन, डायरेक्ट पेंटागन जहाँ पे लिखा है ना उसके एंड में चले जाओ आप, क्या एंड पे, मतलब एन है ना, PENTAGON, पूरा हो गया है, वहाँ पे आपको कर्सर लेके जाना है और वहाँ पे एंटर की दबानी है। क्या करना है, एंटर की। जैसे आप एंटर की प्रेस करोगे तो नीचे आपका जो कर्सर है कहाँ चला जाएगा, नेक्स्ट लाइन, हमें पता ही है, एंटर की यूज़ टू गो टू द नेक्स्ट लाइन। नेक्स्ट लाइन में जाने के लिए हमें एंटर की यूज़ करनी है। तो जैसे ही हमने एंटर की दी तो कर्सर आ गया नेक्स्ट लाइन में। अब यहाँ पे आप प्रोसीजर लिखना स्टार्ट कर सकते हो। थर्ड स्टेप यही है, एंटर द फॉलोइंग लाइन्स ऑफ कमांड्स। ये कमांड्स है वो वहाँ पे आपको लिखने हैं। पहले क्या है, होम। होम क्यों दिया है, हमें पता है कि पहले कर्सर को हमें होम पोजीशन पे लेके जाना पड़ता है ना। तो होम करोगे मतलब कर्सर पहले अपनी मेन पोजीशन पे आ गया, होम पोजीशन पे, राइट। फिर लिखा है CS, वो भी ज़रूरी है कि अगर कोई भी अलग ड्राइंग उस पर पड़ा है स्क्रीन पे तो वो क्लीन हो जाएगा, पहले तो क्लियर द स्क्रीन, याद है ना। इसलिए होम और CS तो कंपलसरी है, कोई भी प्रोसीजर लिखो ना पहले होम और फिर CS दोनों दे देना है, ताकि जो टर्टल है वो होम पोजीशन से ही लिखना शुरू करेगा, ड्रॉ करना, और पहले उसको क्लियर भी कर देगा, समझ में आया ना। होम एंटर की, CS एंटर की, और ये पूरे कमांड है वो लिख लिए, राइट। पेंटागन के कमांड है FD60, मतलब फॉरवर्ड 60 स्टेप आगे बढ़ेगा। RT72 मीन्स राइट टर्न लेगा टर्टल, कितना, 72 स्टेप।
हाँ ऐसे, तो ये एक एक टर्न लेता जाएगा और लाइन बनती जाएगी। फोर्थ स्टेप क्या है? क्लोज द एडिटर विंडो बाय सिलेक्टिंग द एग्जिट ऑप्शन। पूरी प्रोसीजर लिख दी, एंड तो है ही ऑलरेडी ऊपर, बराबर। तो आपको क्या करना है, फाइल मेनू में जाना है, देख रहे हो ना, फाइल मेनू, हाँ, और लास्ट ऑप्शन है एग्जिट, उसको आपको सिलेक्ट कर लेना है। एग्जिट के ऊपर दबाओ, क्लिक करो, और तुरंत क्या होगा, नेक्स्ट पेज में सी क्या आ गया, द कंटेंट्स चेंज्ड डायलॉग बॉक्स अपियर्स। ये कंटेंट्स चेंज्ड वाला जो डायलॉग बॉक्स है वो आपकी स्क्रीन पे आ जाएगा। और यहाँ पे आपको क्या करना है, इसको सेव तो करनी पड़ेगी, प्रोसीजर लिखिए, इफ़ यू नॉट सेव देन प्रोसीजर विल नॉट डू प्रोसीड, राइट। तो प्रोसीजर प्रोसीड ही नहीं होगी अगर आपने इसको सेव नहीं किया है तो। इसलिए क्लिक यस टू सेव द कंटेंट ऑफ टू कंटेंट्स टू वर्क स्पेस, इसको करना ज़रूरी है सेव, बराबर। तो यस दिया है, यहाँ पे यस को प्रेस करना है, दिस वन। उसके बाद ये सिक्स स्टेप क्या है, सिक्स स्टेप में रन योर प्रोसीजर बाय टाइपिंग अ पेंटेगोन इन द इनपुट बॉक्स एंड प्रेसिंग द एंटर। अब आपने प्रोसीजर तो लिख दी, लेकिन डायरेक्ट वो स्क्रीन पे नहीं आ जाएगा पेंटेगोन, क्यों नहीं आएगा बता रही हूँ। अब आपको क्या करना है, आप क्या करते थे पहले, कमांड इनपुट बॉक्स में सब पूरी प्रोसीजर लिखते थे, पूरे स्टेप्स लिखते थे, तो स्क्रीन पे आ जाता था, है ना। अब क्या करोगे आप, यहाँ पे जो कमांड इनपुट बॉक्स है ना, ये आप भूल गए होगे, ये कमांड इनपुट बॉक्स है, बराबर, और ये रिकॉल लिस्ट बॉक्स है, याद आया। हाँ, तो ये जो कमांड इनपुट बॉक्स है ना, यहाँ पे क्या लिखना है, सिर्फ पेंटागोन, पूरे कमांड नहीं लिखने, क्योंकि वो हमने ऑलरेडी वहाँ पे प्रोसीजर लिख लिए इनपुट बॉक्स में, है ना, या एडिटर विंडो में। तो सिर्फ पेंटागोन लिखना है और एंटर की दबानी, या तो एग्जीक्यूट बटन, बराबर, दो में से एक करना है। जैसे ही पेंटागोन लिखोगे और एग्जीक्यूट बटन या तो एंटर की दबाओगे, तो सेवन स्टेप में क्या आंसर मिलेगा, देखो, द पेंटागोन विल अपियर ऑन द MSW लोगो स्क्रीन। स्क्रीन पे पेंटागोन आ जाएगा अपने आप, है ना। प्रोसीजर पूरी हमने लिखी है, वो सेव हो गई। आपको हर बार पेंटागोन, स्क्वायर, हेक्सागोन, कोई भी प्रोसीजर की जो कमांड है वो लिखने की ज़रूरत नहीं है इनपुट बॉक्स में। आपने ये सब कमांड उसमें सेव कर दिए, क्योंकि हमने प्रोसीजर ऑलरेडी डिफाइन कर दी है इनपुट बॉक्स में या तो एडिटर विंडो में। इसलिए सिर्फ और सिर्फ इसका नाम लिखना है और एंटर की देनी है, तुरंत वो स्क्रीन पे फिगर आ जाएगा। समझ में आया? ओके, वेरी गुड। अब उसके बाद ये एडिटर विंडो वाला आपको समझ में आ गया, ओके। तो ये जो वीडियो है यहाँ पे हम पूरा कर रहे हैं। अब नेक्स्ट वीडियो में हम नेक्स्ट पॉइंट देखेंगे। तब तक के लिए थैंक यू।